हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो परवर की सब्ज़ी देखकर आप मन में सोच रहे होंगे ना कि क्या बन रहा है, इतना स्वादिष्ट दिख रहा है। परवर की सब्ज़ी ऐसी ही होती है जो खाने में बहुत लाजवाब होती है। तो मैंने परवर ले लिया है इस तरीके से और धो कर काट रही हूँ। जिस भी शेप में आप काटना चाहे काट लीजिए। परवर की सब्ज़ी इतनी स्वादिष्ट होती है ना कि आप रोटी के साथ में खाइए, पूरी के साथ में खाइए, ये चावल के साथ में खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने राई सरसों का तेल गरम किया है, उसमें आधा चम्मच मेथी का दाना डाला है और उसके अंदर प्याज डाली है। सुनहरा होने तक इसको हम भून लेंगे। और जो भी मैं सामग्री डाल रही हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी कितना कितना पीस मैं डाल रही हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी लगती है पूरी, तो पूरी के साथ में तो सोच ही नहीं सकती इतनी अच्छी लगती है। और बच्चे भी इसको खाना बहुत पसंद करेंगे। इस स्टाइल से आप कभी सब्ज़ी बनाकर देखिए जिस तरह से मैं बना रही हूँ। हमारे यूपी में तो ये बहुत फेमस है, यूपी बिहार में ये सब परवल की सब्ज़ी बहुत फेमस है इस तरीके की। तो मैंने इसमें परवल डाल लिया। अब परवल को भी सुनहरा होने तक हम क्या करेंगे, भून लेंगे। थोड़ा थोड़े देरी पे चलाते हुए कम से कम तीन चार से मिनट हमको चलाना है और भूनना है। और ये मीडियम गैस पे ही हमको भूनना है, बहुत फास्ट पे नहीं और स्लो पे भी नहीं। देखिए परवल का कलर अब चेंज हो गया है। तो इसमें हम आलू डाल देंगे कटे हुए और उसको भी साथ में भून लेंगे और मीडियम गैस पे ही भूनना है। और परवल की सब्ज़ी जब अच्छे से भुना जाती है ना तो उसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। उसको पूछिए मत कितना अच्छा लगता है, बस खा के आपको पता चलेगा। फिर इसको हम ढक देंगे। 2 मिनट के लिए मैंने ढका था, इसका पूरा कलर चेंज हो चुका है। और फिर चला कर वापस ढक दिया है मैंने इसके अंदर। अब देखिए ये पूरा पक चुकी है सब्ज़ी, मतलब इसको मैंने भूनते भूनते ही पका लिया है। अब इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे स्वाद के अनुसार और फिर नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। जितना आप लोग नमक खाते होंगे वो हिसाब से आप डाल सकते हैं। गरम मसाला डाला है मैंने, हल्दी पाउडर डाला है मैंने, धनिया जीरा पाउडर डाला है। और इसको अच्छे से चलाएंगे और फिर टमाटर डाल देंगे और टमाटर को भी चला कर एकदम स्लो गैस करके थोड़ा टाइम के लिए ढक देंगे। थोड़ा टाइम मतलब 2 से 3 मिनट। देखिए अब ये पूरी तरह से हमारा टमाटर भी गल चुका है, मसाला भी भुना चुका है। अब इसमें लहसुन, मिर्ची, अदरक और हरी धनिया का मैंने पेस्ट डाला है। कितने क्वांटिटी में मैंने इसमें सब कुछ डाला है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिख दूँगी। अब इसको भी हम भून लेंगे अच्छे से। अब ये देखिए हमारा मसाला भी अच्छे से भुना गया है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। अब ये पानी जब डाल दिए हैं तो इसको क्या करेंगे, ढक देंगे। तो मैंने 2-3 मिनट ही ढक के रखा था, ये पूरी तरह से सब्ज़ियाँ पक चुकी थी, पानी फटाक से पक गया, हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए।